गर्मी आ गई है और गर्मी में पुदीने की चटनी की क्या ही बात बताऊं और पुदीने तो हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं चाहे वे खाने में हो या उनकी चटनी हो आज मैं मार्केट गई थी तो मैंने पुदीना देखा तो मैं उसे घर ले आई आप जानना चाहते हैं कि पुदीने को आप घर में कैसे लगा सकते हैं चलिए आज मैं आपको बताती हूँ पुदीना उगाना तो सबको पसंद है और इसे घर पे उगाना तो बहुत ही आसान है ये पुदीने की गड्डी मैं मार्केट से लाई थी इसे लगाने के लिए आपको सबसे पहले इनके पत्ते को हटाना होगा इन पत्तों को आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इनकी चटनी बना सकते हैं और इनका जो स्टेम वाला हिस्सा बचेगा उसी से हम पुदीने उगाएंगे ये मैंने सारी कटिंग्स तैयार कर ली हैं तो अब इन्हें लगाने की बारी है तब हम एक डिस्पोजल कप लेंगे और उसमें हम पानी डालेंगे और इन कटिंग्स को डालेंगे ध्यान रखें पानी एक से डेढ़ इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए बस इतना ही हो कि उसका जो नीचे वाला हिस्सा है कटिंग का जो नीचे वाला हिस्सा है वो पानी में डूबा रहे जिसमें रूट्स आएंगे एक से डेढ़ हफ्ते में इनमें रूट आ जाएंगे और इनके पानी को हमें हर दूसरे दिन चेंज करना होगा ये देखिए एक हफ्ते में ही मेरी कटिंग में रूट आ गई हैं और इसी तरह बहुत सी कटिंग्स में रूट आ गई हैं पर मैंने जो एक चीज़ नोटिस की है कि मैंने जो पतली स्टेम ली थी उसमें रूट्स नहीं आई है उसकी रूट ग्रोथ बहुत ही छोटी है इसीलिए जब भी कटिंग ले तो मोटी कटिंग ले ताकि आपके रूट्स भी उसमें जल्दी आएँ और अगर हो सके तो आप हर दिन इसके पानी को बदल दें आप देख ही सकते हैं ये पानी कितना गंदा हो गया है और इसमें प, इसके पत्ते भी गल गए हैं अब बारी है इस पुदीने की कटिंग को गमले में लगाने की तो सबसे पहले हम आठ से दस इंच का पॉट लेंगे और वो पॉट वेल ड्रेनेज होना चाहिए सबसे पहले इसके होल को हम पेबल्स या किसी टुकड़े से कवर करेंगे अब हम लेंगे मिट्टी जिसमें 60 परसेंट कम्पोस्ट और 40 परसेंट गार्डन सॉइल मिली हुई है तो सबसे पहले इस मिट्टी को हम गमले में भरेंगे और अब बारी है कटिंग लगाने की तो अब हम इसमें अपनी कटिंग्स को लगाएंगे जब आप सारी कटिंग्स को लगा ले तो इनमें पानी देने आप बिल्कुल ना भूले और आप रोज इनमें तीन से चार बार पानी दे पुदीने को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और कुछ ही दिनों में आपके गमले में पुदीने का जंगल बन जाएगा मात्र एक महीने में ही इस गमले में हरियाली छा गई है जो देखने लायक है सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप, आप इसे अपने खाने में तोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी पुदीने की पत्तियों को जड़ से ना उखाड़ें आप इन्हें ऊपर से कट कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में इनमें फिर से नई पत्तियां आ जाएंगी जो कि और भी खुशबूदार होंगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होंगी ये देखिए मैंने पत्तियाँ हार्वेस्ट कर ली है अब आप इसे अपनी कोई भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा पत्तियाँ हो गई है तो इसे फेंकने की बजाय आप इनके बंचेस बना सकते हैं और इसे शेड में रख सकते हैं दो से तीन दिन में ये सूख जाएंगे और आप इसे टाइट कंटेनर में बंद करके लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं पुदीना एक मेडिसिनल हर्ब भी है इसके पत्तों की खुशबू मेंथा की वजह से होती है सेड में या छाया में सुखाए हुए पत्तों में भी खुशबू बरकरार रहती है पुदीने को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं इसकी खुशबू से आपका घर महक उठेगा और जब आपका पौधा मैच्योर हो जाए तो इसमें फ्लावरिंग भी आने लगती है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है जाहिर सी बात है फूल आएंगे तो उनमें उनके बीज भी होंगे आप पौधे में ही उनके फूलों को सूखने दे और जब इनके फूल सूख जाए तो आप इनके बीज इससे निकाल सकते हैं बस इनके फूलों को हाथ में रख करें और आपको इनके छोटे छोटे बीज मिल जाएंगे इन बीजों से आप पौधा भी उगा सकते हैं अगर आपको पुदीने की कटिंग नहीं मिल रही है तो आप इन बीजों को भी लगा सकते हैं आप इन बीजों को ऑनलाइन मंगवा लें और इन्हें आराम से लगा लें आप सोच रहे होंगे कि आप पुदीना लगाने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं पुदीना खाने से आपका स्ट्रेस कम होता है और हेडेक भी कम होता है यानी कि ये बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीवल है तो अब एंटी स्ट्रेस पिल्स खाना बंद कीजिए और पुरीना खाइए और अपनी सेहत को बरकरार रखिए तो अब आप क्या सोच रहे हैं आज ही घर जाते वक्त आप पुरीने की गड्डी जरूर ले जाएं और इन्हें अपने घर में लगा दें। हफ्ते भर में ही आपके घर में पुरीने का जंगल बन जाएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले प्लीज